दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया है, जिन्हें आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। भारत में करीब 70 साल बाद अब फिर से चीतों की दहाड़ सुनाई देगी। कोनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि आखिरकार एमपी में ही क्यों लाए गए हैं चीते। हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनैतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कोनो नेशनल पार्क को इफ्सुर्ख शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। दरअसल चीतों के लाने से पहले भारत के कई इलाकों पर विचार किया जा रहा था कि इन्हें कहां रखा जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंचाई वाले स्थानों, तटीय और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर भारत का मैदानी इलाका चीतों के रहने के लिए सही माना जाता है। इसलिए 2010 और 2012 के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स का सर्वेक्षण किया गया। बाद में ये पाया गया कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बना कोनो राष्ट्रीय उद्यान ही चीतों के लिए सबसे सही और सुरक्षित जगह है। इसलिए फिर कोनो नेशनल पार्क में ही चीतों को लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।